भारतीय जनता पार्टी का परिवार दिन प्रतिदिन वटवृक्ष की तरह बृहद होता जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीतियों नियुतियों में, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नियुतियों में लोग भरोसा जताते हुए लगातार इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हम हृदय से सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह हम अपने सभी पूरे सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। नगर निगम के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि आप सब जुट करके एक एक प्रत्याशी को हर वार्ड में जिता करके ऐतिहासिक सफलता दिलाने का काम करें। लगातार आप जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। लगातार जनता ने उनको नकार दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनके जो कार्यकाल की बातों को याद करके जनता आज भी कराह उठती है, सिहर उठती है। इन लोगों ने खुलेआम गुंडई को, अराजकता को बढ़ावा देने का काम किया है। ऐसे लोगों को पुष्पित पल्लवित किया है जिन लोगों ने प्रदेश की जनता के संसाधनों को खुला लूटा है। चाहे खनन हो, चाहे सरकारी ठेके हो, चाहे क्राइम हो, लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम ऐसे लोगों ने किया है। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक नौजवान को उसकी मेघा के बदौलत सरकारी नौकरी मिल रही है। उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश जाना जाता था, आज औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक विकास के मामले में हम नंबर एक पर पूरे राष्ट्र में आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश आज बदलता हुआ प्रदेश है। यह स्वर्णिम युग की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। यह दुखद है, राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई सही नहीं ठहरा सकता। आने वाले समय में कर्नाटक का जब पोल होगा जनता जरूर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएगी कर्नाटक में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।